अस्सलामुअलैकुम डियर पेरेंट्स, ये एक न्यू वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ी ट्रांजेक्शन्स के बारे में, ऑनलाइन फ़ी ट्रांजेक्शन्स। पहले 2021 से जो भी फ़ी है वो हम ऑफलाइन लेते थे, अब जो फ़ी है 2022 से जितना जो भी फ़ी है वो ऑनलाइन ही है और आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको ऑनलाइन जो फ़ी है वो आप कैसे पे करोगे। इस वीडियो में हम वही चीज़ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले सिंपली आपको IDPS शोपियान की जो ऐप है, जो स्कूल के ऑफिशियल ऐप है, आपको वो ओपन करनी है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सालिक सईद एक बच्चा है, उसकी आईडी मैंने यहाँ पे लॉगिन की है। तो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, फ़ी का आइकन यहाँ पे बना हुआ है। आपको सिंपली इस फ़ी के आइकन पे क्लिक करनी है। जब आप इस फ़ी के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैन, फेब, मार्च एंड ट्रांसपोर्ट फ़ी। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट क्वार्टर है, फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है वो आपको पे करना है। एंड आल्सो जो मार्च का फ़ी है, ट्रांसपोर्ट फ़ी, बस फ़ी, वो आपको इस बच्चे को पे करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम जनवरी के इस साइड आप देख सकते हो, हाँ यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू डेट January 1, 2022। ओके, तो इस जो ये क्वार्टर है इसका ऑलरेडी ड्यू डेट हो चुका है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जनवरी की इस साइड आप देख सकते हो एक साइन हुआ बना हुआ है रेडियो बटन, आपको सिंपली इस रेडियो बटन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे टिक होगा। एंड ऐसे ही आपको फेब पे क्लिक करनी है, यहाँ पे टिक होगी, मार्च पे एंड ट्रांसपोर्ट पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर फ़ी, जहाँ पे फ़ी है, पे फ़ी के राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉलर का साइन बना हुआ है। तो इस डॉलर के साइन पे आपको क्लिक करनी है। जब इस डॉलर के साइन पे आप क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट आपको ले लेगा पेमेंट गेटवे पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, हाँ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ़ी एक बच्चे का पे किया है, तो यहाँ पे इसलिए मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको इससे पहले एक विंडो आ जाएगी, वहाँ पे आपको वो विंडो मांगेगी आपका जो फ़ोन नंबर है, जो स्कूल में आपने दिया है फ़ोन नंबर, एंड आल्सो वहाँ पे एक ईमेल आईडी मांगेगा। तो आपको अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे फिल करना है एंड आल्सो अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे फिल करनी है। तो ये कोई मैटर नहीं करता, ईमेल आईडी आपने स्कूल में प्रोवाइड की है या नहीं की है तो वो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी ईमेल आईडी वहाँ पे दे सकते हो। तो उस ईमेल आईडी का पर्पज़ क्या है, जब भी आप फ़ी पेमेंट करोगे यहाँ पे, जब आपकी कंफर्मेशन फ़ी पेमेंट आएगी वो आपकी मेल पे आएगी एंड आल्सो आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा जब आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी। तो उसके बाद जब आप प्रोसीड करोगे, उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड खुलेगा। तो आप ऊपर चेक कर सकते हो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम, एंड यहाँ पे आप अमाउंट चेक कर सकते हो 6600। तो इस बच्चे का जो फ़ी है वो 6600 बन रहा है। तो आप हर किसी बच्चे का सेम फ़ी नहीं होगा, हर किसी बच्चे का अलग अलग फ़ी होगा। तो इस बच्चे का जो फ़ी है वो 6600 बन रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो आपने फ़ोन नंबर दिया होगा वो यहाँ पे फ़ोन नंबर आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑलरेडी जो मैंने ऑलरेडी पे किया है, मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे आ रहा है, आल्सो मेरी ईमेल आईडी आ गई है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट मेथड्स, गूगल पे, पेटीएम एंड फ़ोन पे, ठीक है। तो अगर कोई पेरेंट गूगल पे यूज़ कर रहा है वो गूगल पे से पे कर सकता है, पेटीएम कोई यूज़ कर रहा है वो पेटीएम से पे कर सकता है, फ़ोन पे कोई यूज़ कर रहा है फ़ोन पे से पे कर सकता है। तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, हम जो पेमेंट करते हैं वो कार्ड के थ्रू करते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको पहले हम कार्ड का सीखेंगे। जब आप कार्ड पर क्लिक करोगे, कार्ड पर आपको यहाँ पर आ जाएगा कार्ड नंबर। तो इस कार्ड नंबर पे आपको क्या करना है, जो आपका ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आपको वो कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो कार्ड नंबर पे एक्सपायरी है वो आप यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद कार्ड होल्डर्स नेम, कार्ड जिसका भी हो, किसी पर्सन का हो, तो उस पर्सन का जो नाम है, जो कार्ड होल्डर नेम है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब जो J&K बैंक के कार्ड्स है
उसमें जो इंस्टेंट कार्ड है, इंस्टेंट कार्ड में जो कार्ड होल्डर का नाम होता है वो कार्ड पे नहीं लिखा होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो अकाउंट है, जिस अकाउंट को वो कार्ड इशू किया गया है, तो आपको अपना नाम देना है सिंपली। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कार्ड है, मेरे कार्ड पे मेरा नाम नहीं है, तो मैं यहाँ पे जब अपने कार्ड का यहाँ पे नंबर दूंगा, एक्सपायरी दूंगा, तो कार्ड होल्डर नेम जो है वो मेरे कार्ड पे नहीं लिखा है, तो मैं सिंपली, वो मेरे अकाउंट का है, मैं सिंपली यहाँ पे अपना नाम डालूंगा। एंड यहाँ पे CVV, तो CVV आपको कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा जो 3 डिजिट्स का होता है। तो जब आप यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे, उसके बाद आप डायरेक्टली सिंपली पे करोगे। जब आप पे करोगे उसके बाद आपको नंबर पे एक OTP आएगा बैंक की तरफ से। जब वो OTP आपको वहाँ से यहाँ पे एक ऐसी जैसे कार्ड पे ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे वो OTP आपको फिल करना है और उसके बाद पे करना है। तो जब आप पे करोगे, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, तो उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगी। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट अगर कोई UPI करता है, ठीक है, तो UPI में आपको सिंपली क्या करना है, आप UPI पे क्लिक करोगे। यहाँ पे UPI पे आपको यहाँ पे ये शो होगा कि आप UPI गूगल पे के थ्रू करना चाहते हो, फोन पे के थ्रू करना चाहते हो, पेटीएम के थ्रू करना चाहते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC मेरा बैंक है, तो इसलिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। यहाँ पे अमेज़ॉन पे से ये पे करना चाहते हो, मोबीक्विक इसके थ्रू आप पे करना चाहते हो, ये तो ये आपकी चॉइस है, आप किस के थ्रू पे करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये UPI का आ गया। तो जैसे अगर किसी के पास UPI ID है, वो सिंपली यहाँ पे UPI ID अपनी फिल करेगा और उसके बाद पे करेगा, ओके। तो ये UPI का है। उसके बाद आप नेट बैंकिंग से भी पे कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग जब आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे पहले ही रेस्पेक्टिव कुछ बैंक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो J&K बैंक हमारा है। अगर आपका वहाँ पे शो नहीं हो रहा है J&K बैंक, तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप सिलेक्ट ए डिफरेंट बैंक पे क्लिक करोगे। इसमें आप J&K बैंक सिलेक्ट करोगे, J&K बैंक जो ये देखिए, J&K बैंक पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे J&K बैंक पे क्लिक किया, उसके बाद पे कर दिया। पे में हमारी फिर ID मांगता है, पासवर्ड मांगता है, तो आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड और मोस्टली हम कार्ड और UPI से ही पे करते हैं। तो उसके बाद जब आपकी पेमेंट कंफर्मेशन होगी, तो उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगी, एक तो टेक्स्ट मैसेज आएगी आपके पास, एंड आल्सो जो आपने मेल आईडी दी होगी, और उस मेल आईडी पे आपका मेल आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पेमेंट कंफर्मेशन होगी, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होगी, उसके बाद जब आप फिर से फीस पे जाओगे, तो ये यहाँ पे एम्प्टी दिखाएगा, दैट मीन्स आपकी जो फ़ी है वो ऑलरेडी पे हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा जो फ़ी है वो आपको टाइम पे करना है, एंड आल्सो अगर फी आपने टाइम पे नहीं किया, तो इस पर फाइन लगेगा, ठीक है। वो फ़ाइन क्या होगा वो डिसाइड करती है IDPS सोसाइटी फ्रॉम दिल्ली, तो इसमें फ़ाइन भी वही लगाते हैं। तो इसलिए फ़ाइन अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम टू टाइम फ़ी पे करना है। तो जब आप यहाँ पे फ़ी पे करोगे, उसके बाद जो रिसिप्ट है, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, जो उस फ़ी का रिसिप्ट है, वो सेम आपको इसी ऐप पे मिलेगा। तो आपको क्या करना है, फ़ी के राइट साइड से आप देख सकते हो एक आइकन बना हुआ है, इसके नीचे लिखा है ट्रांजैक्शंस। तो आप इस ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे ये एम्प्टी दिखा रहा है, क्योंकि सालिक सईद का फ़ी अभी तक पे नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको एक अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ, तो उसमें ऑलरेडी उस पेरेंट ने फ़ी पे किया है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है, तो उसका हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो पीरजादा अब्दुल कबीर है, इस पेरेंट ने ऑलरेडी फ़ी ऑनलाइन पे किया है। तो आप यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, देखिए फ़ी में हम जब जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट फ़ी मार्च 2022, ये आज ही अपडेट हुआ है, तो इसलिए इनको यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो इसका ट्यूशन फ़ी है, ट्यूशन फ़ी, ये न्यू एडमिशन है, मार्च में एडमिशन हुआ है, तो इन्होंने पे किया है। देखिए यहाँ पे जब हम ट्रांजैक्शंस में जाएंगे, ट्रांजैक्शंस में आप देख सकते हो 19 मार्च 2022 को इसने पे किया है। यहाँ पे फ़ी पेड आ रहा है 2000, एंड जो IDPSS6 है ये रिसिप्ट नंबर है,
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रिसिप्ट नंबर है। तो यहाँ पे आप सिंपली व्यू रिसिप्ट पे करोगे, रिसिप्ट पे आप जब व्यू करोगे यहाँ पे आप चेक कर सको। देखिए रिसिप्ट नंबर IDPS IDPS इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल शोपियाँ, रिसिप्ट नंबर 6, स्टूडेंट ID IDPSS ADM एडमिशन 2005। और यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हो 19 मार्च 2022। कोर्स जो इसका है वो नर्सरी है, 2021 to 2022 इसका सेशन है। जो इस बच्चे का नाम है वो पीरज़ादा अब्दुल कबीर है, और जो पेरेंटेज है वो पीरज़ादा गौहर यूसुफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर 1 कलेक्शन मार्च 2022, MO 2000 पेड इन्होंने किया है। पेमेंट मोड जो है वो ऑलरेडी इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है, इन्होंने नेट बैंकिंग से की थी। तो टोटल अमाउंट इनका 2000 बन रहा है, अमाउंट पेड इन्होंने 2000 किया है, ड्यू अमाउंट 0 है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है तो ये आप चेक करोगे, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ़ी करना है, ऑनलाइन फ़ी पे करना है। अगर किसी भी पेरेंट को इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ID सेक्शन से बात करेगा। अभी न्यू एडमिशन्स हुए हैं जिनको अभी तक ID प्रोवाइड नहीं हुई है, तो वो ID सेक्शन से बात करें, उनको हम ID प्रोवाइड करेंगे। आल्सो उनको गाइड भी करेंगे कि कैसे आपको ऐप को यूज़ करना है, कैसे आप फ़ी पे कर सकते हो, एंड आल्सो जो भी ऐप के बाकी फ़ीचर्स हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप IT सेक्शन से बात करो, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।